क्या आपने कभी इस नुस्खे का इस्तेमाल किया है? इस नुस्खे का इस्तेमाल करके देखिए, ये आपके बालों को इतना तेजी से लंबा करेगा कि आप देखते रह जाएंगे और कहेंगे कि सर क्या नुस्खा बताया। इस वीडियो को देखिए और जानिए कि ये नुस्खा किस तरीके से तैयार होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल नुस्खा टीवी पे। दोस्तों हर बार की तरह आज मैं आपको कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ जिसका अगर आप अपने बालों पे इस्तेमाल करते हैं तो आपका बाल बहुत ही तेजी से लंबा हो जाएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो को सिर्फ एक बार अंत तक देखते हैं तो आपका जो बाल है वो बहुत ही तेजी से बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ जो अगर आपके बालों में झड़ना है, आप किस तरीके से इस नुस्खे को लगाओगे, हर एक एक स्टेप आपको इस नुस्खे में पता चल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को सिर्फ एक बार अंत तक देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस नुस्खे को और बताते हैं कि ये नुस्खा किस तरीके से तैयार होगा। हम वही चीजें इस्तेमाल करेंगे जो हम डेली अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों यहाँ जो हम सबसे पहली चीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो है दोस्तों शैम्पू। दोस्तों अगर आप शैम्पू लगाते हैं तो आपको पता ही होगा ये हमारे बालों को जो है सिल्की करता है, स्मूथ करता है और जो हमारे बाल है वो अच्छे से जो है साफ हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है एक शैम्पू लिया है। अगर आप एक लड़के हैं तो आप यहाँ पर एक शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक लड़की हैं तो आप इसका थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एक से दो, दो से तीन, आपको दो से तीन तक आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम जो है इस पर एक छोटा सा चीरा लगा के इस नुस्खे में जो है ऐड कर लेंगे। तो आप ध्यान से इस नुस्खे को देखते रहिएगा कि ये नुस्खा किस तरीके से तैयार होगा। यहाँ पे आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ एक शैम्पू जो है पूरा यहाँ निचोड़ के डाल दिया है। अब यहाँ आपको कौन सी दूसरी चीज इस्तेमाल करनी है ये बताते हैं। दोस्तों यहाँ जो अब आप दूसरी चीज इस्तेमाल करोगे वो होगा दोस्तों विटामिन ई का कैप्सूल। दोस्तों विटामिन ई का कैप्सूल आराम से आपको मेडिकल पे मिल जाएगा। ये जो कैप्सूल होता है दोस्तों, ये जो कैप्सूल होता है ये 400 mg का होता है। दोस्तों हम यहाँ पर जो है एक कैप्सूल यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटा चीरा लगा के जो पूरा है यहाँ पे एक कैप्सूल यहाँ डाल देंगे। अगर आप लड़की हैं तो आप यहाँ दो कैप्सूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक लड़की के लिए इस नुस्खे को बना रहा हूँ, चाहे तो आप इसका ज्यादा क्वांटिटी लेके भी इस नुस्खे को तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डाल दिया है एक कैप्सूल और साथ में जो है यहाँ पे शैम्पू। इन दोनों को दोस्तों आपको ऐड कर लेना है। और जो है इसके बाद आप अंतिम चीज इस्तेमाल करेंगे वो होगा दोस्तों एलोवेरा का जेल। दोस्तों यहाँ कौन कोई सी भी कंपनी का एलोवेरा जेल ले सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा कारगर होता है हमारे बालों के लिए, हमारे शरीर के लिए और चेहरे के लिए, क्योंकि दोस्तों ये जो है ये हमारे साथ में बालों को शाइनी करता है, चेहरे को साफ करता है और शरीर में जो है जो भी डर्ट रहता है उसको साफ करने में मदद करता है। तो हम यहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल कर लेते हैं आधा चम्मच के लगभग। ये हमारे बालों को लंबा करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा कारगर रहता है, एक शाइनी हेयर देता है हमको, इसलिए हम इसका यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ पर आधा चम्मच सिर्फ यहाँ डालना है और डालने के साथ आपको इस नुस्खे को कुछ इस तरीके से यहाँ जो है मिला लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से, देखिए कुछ इस तरीके से, आपको इसको ज्यादा नहीं मिलाना, इतना सा मिला के आप आराम से जो है इस नुस्खे को इसी तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों डेली के आपको इस नुस्खे का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप एक लड़की हैं तो आप इसका हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप सोमवार को इस्तेमाल कर लीजिए, फिर गुरुवार, फिर संडे। दोस्तों आप 3 दिन ऐसे करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यह बहुत ही ज्यादा कारगर होगा। अगर आप लड़की हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कीजिए, लड़के हैं तो भी इस्तेमाल कीजिए, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा। और रिजल्ट सिर्फ आपको एक हफ्ते के अंदर, आपको 3 से 4 बार आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका असर आपको दिखने लगेगा। क्योंकि दोस्तों मैंने खुद इसका इस्तेमाल किया, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मेरे को मिले हैं। मेरे जो हेयर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, अभी बहुत लंबे हैं। दोस्तों पहले मेरे जो हेयर्स हैं वो झड़ते थे, अभी मैंने इस नुस्खे का लगातार इस्तेमाल किया है, मेरे जो बाल हैं वो अभी शाइन करते हैं, बहुत ही अच्छे दिखते हैं, क्योंकि मैंने इसका लगातार अपने बालों पर इस्तेमाल किया था। दोस्तों आप भी एक बार इस्तेमाल कीजिए, बताइए कि नुस्खा कैसा लगा आपको। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बाजू के जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलता हूं आपसे इसी प्रकार के कोई नए नुस्खे टिप्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।